29 सितंबर को टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के 13वें सीजन को ऑन एयर किया गया, जहां बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के बीच प्यार और तकरार की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बार बिग बॉस का शो कई लोगों को रास नहीं आ रहा है और इस शो में दिखाए जाने वाले प्रतिभागियों के तौर तरीके और उनके रहन सहन के खिलाफ अब आवाज उठनी शुरू हो गई है। दरअसल बिग बॉस 13 अपने पहले एपिसोड से ही अश्लीलता के आरोप झेल रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर भी शो का खूब विरोध हो रहा है। आपको बता दें, पहले एपिसोड में राशन इकट्ठा करने के लिए घर वालों को दिए गए टास्क के कारण ये विरोध चल रहा है। इसके अलावा शो के तय प्लॉट के कारण बिग बॉस 13 में लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ बेड शेयर कर रहे हैं, जिसे लेकर भी कईयों ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद से शुक्रवार से ही #unsubscribecolorsTV, #जिहाद फैलाता बिग बॉस जैसे #टैग ट्रेंड शुरू हो गए हैं। और तो और, इस शो को बंद करने और सलमान खान को भी ब्लॉक करने की मांग शुरू हो गई है। बिग बॉस के विरोध में ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। कैट ने प्रकाश जावड़ेकर से कलर्स टीवी पर चल रहे शो को तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कैट का कहना है कि सीरियल से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिग बॉस से हमारे देश के पुराने पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। टीआरपी और मुनाफे की लालसा में बिग बॉस के जरिए देश में सामाजिक समरसता को धूमिल किया जा रहा है। ऐसे कृत्यों को भारत जैसे देश की विविध संस्कृति वाले देश में कतई इजाजत नहीं दी जा सकती है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शो में कश्मीरी मुस्लिम मॉडल और हिंदू लड़की के साथ बेड शेयर करने को कहा गया है। इसके सहारे शो के द्वारा लव जिहाद को प्रमोट करने की भी कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी नेता सत्यदेव पचौरी ने भी नाराजगी भरा ट्वीट किया है और लिखा है, बिग बॉस नहीं है ये अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं, ऐसे शो को पूर्ण रूप से विरोध और बंद कर देना चाहिए। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड की सभी चटपटी और मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।